आप देख रहे हैं रादौर टाइम्स भारत, अपना देश अपना चैनल। विधानसभा चुनाव को लेकर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने भी हुंकार भर दिया है, जिसके चलते उन्होंने आज रादौर विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश स्तरीय न्याय व समानता रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रथ यात्रा में सवार पार्टी सुप्रीमो ने भाजपा सरकार व मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत में पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि यह रथ यात्रा 90 विधानसभाओं में 31 जुलाई तक जाएगी, जिसके बाद हर विधानसभा में रैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बनने पर हर परिवार में नौकरी, बुढ़ापा व विधवा पेंशन 5,000 रुपये व सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। हमने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बना करके आज से जन जागरण अभियान स्टार्ट किया है। हम हर घर में एक नौकरी, विधवा विकलांग और वृद्धों को 5,000 की पेंशन, जिन परिवारों में आज तक नौकरी मिली ही नहीं उन परिवारों को सबसे पहले नौकरी सुनिश्चित करना और नौकरी दिलवाने तक 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान रखा गया है। हम ठीक इस प्रदेश के अंदर जो भेदभाव हुआ उसे समाप्त करके ही अब अपनी सरकार बना करके लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। जो यात्रा है ये 90 की 90 विधानसभाओं तक जाएगी और 31 जुलाई तक हमारा प्रोग्राम है रथ यात्रा का, और उसके ठीक उपरांत हर हलके में एक रैली करने का, और उसके बाद एक बड़ी रैली करके देश के लोगों को ये बताना कि अब भेदभाव नहीं चलेगा। वही गठबंधन बारे पूछे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पीछे गठबंधन कर उन्हें धोखा झेलना पड़ा है, ऐसे में अब आगे पार्टी अकेले 90 के 90 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। गठबंधन की जरूरत नहीं समझी गई, पहले ही गठबंधन करके हमें बहुत छलावा मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के शिकार और टिकट बेचने के भूखे आज जो है ना उन लोगों के नीचे अपने लोगों को इस्तेमाल करने में लगे रहते हैं जिन लोगों ने हमारा शोषण किया। वहीं करनाल डॉक्टर मर्डर मामले में मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रदेश के मुखिया के गृह जिले में क्राइम की यह स्थिति है तो बाकी जिलों में क्या हाल होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। तो खट्टर सरकार जो है ना ये बताए हमारे को कि आप तो बड़े अमन अमान के वायदे करके दिखा रहे हैं, सबका साथ सबके विकास की बातें कर रहे हैं। खट्टर जी, तो आप ही के क्षेत्र के अंदर हुआ, आपके होम कंस्टिट्यूंसी के अंदर अगर ऐसा होता है तो फिर बाकियों की क्या सुध लेंगे आप, जो आपके हलके का ये हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रादौर टाइम्स भारत।